press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों हमने एक पहला क्वेश्चन किया कनकेव मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल किया और वहाँ से जो उसके बेसिक जो रिजल्ट था उसके बारे में डिस्कस की वो थी कनकेव मिरर के ऊपर। अब हम पढ़ रहे हैं वो है कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कन्वेक्स के ऊपर क्या है वो देखो कैसे हो सकता है कि इफ़ ए ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रख दिया जाए 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रख दिया और जिसकी फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमें निकालना है कि इमेज डिस्टेंस कितनी होगी। इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है, तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता था, 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है इमेज फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालनी है। और मैंने बताया था पिछली यूनिट में भी कि कन्वेक्स अगर मिरर हो तो वहाँ पे f को भी पॉजिटिव रखना है, r को भी पॉजिटिव रखना है, v को भी पॉजिटिव रखना है और u हमेशा नेगेटिव लेके चलना है, ये होता है कन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन। तो यूज़ करते हैं 1/f, f हमको दिया हुआ है 15 और ये रखना है पॉजिटिव, ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख लो, 1/f -(1/u) = 1/v, 1/f की वैल्यू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में है और माइनस, देखो u की वैल्यू -10 लेनी है, लिख लेते हैं यहाँ u की वैल्यू -10 लेनी है और f की वैल्यू 15, एक माइनस पहले ही फॉर्मूले में होता है तो ओवरऑल हो गया पॉजिटिव, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने इसका 30 LCM आया, अब सॉल्व करना है, 15 × 30 और ये हुआ 3 1 और (1/v) ये कितना आया 3 × 2 = 5 / 30 और इसको काट दे कितना आया 1/6, ये किसकी वैल्यू 1/v की, मुझे निकालनी है v की, तो ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, देखो पॉजिटिव में आई ना। और कन्वेक्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा v पॉजिटिव में है तो तुम्हारा आंसर सही है, अगर कहीं से भी नेगेटिव में आ गया तो समझ जाना तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है, तो ये हमने सीधा लगाया, ठीक है। अच्छा अब इसको और पढ़ते हैं, मान लो कि अगर तुमसे पूछे कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है, तो मैंने बताया था हाइट फॉर्मूला निकालने के लिए (h'/h) = -(v/u), h' अगर तुम्हें निकालनी है कि इमेज की हाइट कितनी होगी, ठीक है, और मान लेता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी हाइट वो थी 5 सेंटीमीटर मैंने मान ली, ठीक है, वही 5 सेंटीमीटर की कोई हाइट का ऑब्जेक्ट रखा था तो 5 सेंटीमीटर हो गया, माइनस में वी, वी की वैल्यू कितनी आई हमारी अभी 6 और यू नेगेटिव में होता ही है और इसकी वैल्यू कितनी है 10, इससे मैंने इसको काट दिया, ठीक है, 5 × 10 और 2 से काट दिया कितना गया 3, तो एच डैस की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और हमने यही प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि कन्वेक्स अगर मिरर हो तो उसके सामने अगर मैं रख दूँ तो वो हमारी क्या उसी हो जाती थी छोटी, तो ये जो हमारी हाइट है वो कैसी हो गई देखो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट रखा था और जो इमेज बन के आई वो 3 सेंटीमीटर की हमारी बन के आई है, ठीक है। और ये पूछ ले कि कैसी आएगी, तो हमारा कन्वेक्स होता है तो वो कैसी आती थी वर्चुअल और इरेक्ट, छोटा होता था ये बता चले गए, देखो छोटा होता है कितना होता है 5 लेके चले थे और मिल गया हमें कितना 3 सेंटीमीटर। तो ये कंक्लूजन है और ये तभी आएगा बेसिक से आपको जब आपको वो पिछले वाली यूनिट होंगी कि इमेज फॉर्मेशन किसकी कहाँ पे किसकी कितनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वेक्स मिरर के ऊपर एक न्यूमेरिकल था। एक और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, इसी के ऊपर बेस के ऊपर, तो वहाँ से देखते हैं आपको पता लगाना होगा कि वो कौन सा मिरर है, ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अपना एक और अगला क्वेश्चन।